कोविड 19 श्रृंखला को तोड़ने के लिए 4 जिलों के लिए एक अनूठा प्रयास यानी कि आदेश जारी किया गया है। आवश्यकता अनुसार रोटेशन व्यवस्था वहां पर लागू की जा सकती है। किस प्रकार से कर्मचारियों को बुलाना है, 50% कर्मचारी ही कार्यालय में आ सकेंगे, चाहे वो निजी संस्थान हो, कोई निजी कार्यालय हो या फिर सरकारी कार्यालय हो। तो देखते हैं पूरा आदेश क्या है। हेलो साथियों, नमस्कार। डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासनादेश जो 9 अप्रैल को जारी किया गया है, और इसमें लिखा है कोविड 19 के बढ़ते हुए संक्रमण की श्रृंखला को तोड़कर प्रसार रोकने हेतु। तो जो संक्रमण कोविड 19 का दोबारा से अपना पैर पसार रहा है अपने इंडिया में, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में, तो उस संबंध में ये शासनादेश है किस प्रकार से उससे निपटा जाए, क्या प्रक्रियाएं अपनानी है, देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कोविड 19 का संक्रमण पुनः तीव्र गति से बढ़ रहा है, इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि कोविड 19 के संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ा जाए, जिससे कोविड 19 के प्रसार को रोका जा सके। और इसी में जो दूसरा पॉइंट है वो है तत्क्रम में सम्यक विचारों उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि आपके जनपद के अधीन सरकारी निजी कार्यालयों में 50% की क्षमता से कार्य लिया जाए, शेष 50% कार्मिकों को घर से ही कार्यालय का कार्य करने की व्यवस्था की जाए। संबंधित कार्यालय अध्यक्ष आवश्यकता अनुसार चक्रानुक्रम रोटेशन में कार्य करने के लिए निर्देशित कर सकेंगे। यह व्यवस्था दिनांक 30 अप्रैल 2021 तक के लिए रहेगी। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, यह आदेश उत्तर प्रदेश कोविड 19 महामारी नियमावली 2020 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन निर्गत किया जा रहा है, कृपया उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें। और ये जो आदेश है वो अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद के द्वारा जारी किया गया है 9 अप्रैल 2021 को। तो फिर से इसको हम लोग सारांशतः अगर देखें तो विशेष तौर से ये किन जनपदों के लिए किया गया है, ये लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर नगर के लिए किया गया है। और इसमें 3 पॉइंट हैं। तीनों पॉइंट का सारांश ये है कि चाहे वो सरकारी कोई कार्यालय हो या निजी कार्यालय हो, उसमें 50% जो क्षमता है, कर्मचारियों की क्षमता है, वो ऑफिस में आकर कार्य करेंगे, जबकि 50% यानी कि 50% जो बचे हुए जो कार्यालय के कर्मचारी हैं वो अपने घर पर रहकर अपना कार्य पूरा करेंगे। तो इस संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। और या फिर इसको कैश करना क्या है, किस तरीके से इस व्यवस्था को लागू करना है, इसे रोटेशन में व्यवस्था को चलाना है चक्रानुक्रम में, यानी कि 50% यदि अभी आज आए हुए हैं तो यहाँ पर ये विशेष जो निर्देश है वो कार्यालय अध्यक्ष के आवश्यकता अनुसार चक्रानुक्रम रोटेशन चलाएंगे। वो अपने अकॉर्डिंग चाहे तो एक दिन 50% बुलाएं, अगले दिन दूसरे 50% बुलाएं, या सप्ताह के हिसाब से बुलाएं, वे उनके ऊपर डिपेंड करेगा। और ये व्यवस्था केवल और केवल 30 अप्रैल तक के लिए ये आदेश जारी किया गया है।